खबर है भदोई से। भदोई मोहल्ला कजियाना में हाजी अब्दुल वहाम चरमपोश रहमतुल्ला आले का दो रोजा उर्स मुबारक संपन्न हुआ, जिसमें पहला रोजा जलसा ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया। बताते चले इसमें तकरीर करने के लिए उल्मा व शायरों ने शिरकत की। जलसे की कार्यवाही अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान की तिलावत जामा मस्जिद के पेश इमाम शहर काजी हजरत हाफिज परवेज आलम उर्फ अच्छे मियां ने सदारत करते प्रोग्राम का आगाज किया। उसके शायर हिंदुस्तान खानकाओं की जान फयाज भदोई ने नातो मनकबत पढ़कर सभी के दिलों को जीत लिया। दूसरे दिन महफिले समा कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद पर व जौनपुर के कव्वाल ने रात भर अपने कलाम से आए हुए लोगों को मोह लिया और खूब इनाम बटोर कमेटी द्वारा दो रोज से बाबा के नाम का भंडारा भी चलता रहा, जिसमें हिंदू और मुसलमान तथा राजनीतिक व सामाजिक लोगों ने भी अपनी आस्था पेश की। भदोई शहर विधायक जाहिद बेग, नगर चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, अब्दुल कादिर बाबू, हाजी शमशुद्दीन अंसारी, हाजी शाहिद हुसैन अंसारी, जाबिर बाबू बाबा के भक्त, हेमंत कुमार सिंह, नसीम अंसारी, हाजी इख्तियार इम्तियाज लंबू आदि लोगों ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमेटी के लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए सभी का शुक्रिया अदा किया। भदोई से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर हमारे शायर अलहाज आसिफ साहब ने कहा है कि अगर मुस्लिम तू समझना चाह तो कुरान पढ़, कि कौन है मुस्लिम तू समझना चाह तो कुरान पढ़, दीन के सागे में ढलना चाह तो कुरान पढ़, बाल से बारीक है तलवार से हम तेज थे उस पे आसानी से चलना चाह तो मतलब हराम हराम। अभी आप ही अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान हकीम की तिलावत करीमा हजरत अलहाज काजी शहर शहर जामा मस्जिद के पेश इमाम रोज महशर का उसे फैयाज क्यों कर खौफ हो, रोज महशर का उसे फैयाज क्यों कर खौफ हो, रोज महशर का उसे फैयाज क्यों कर खौफ हो, आप जिस पर मेहरबान है हजरत अब्दुल वहाब, आप जिस पर मेहरबान है हजरत अब्दुल वहाब, आप जिस पर। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।